हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने एडिक्शन को कमेंट बॉक्स में कन्फेस कीजिए, तो आप लोगों ने प्रॉब्लम तो लिख दी। सब लोगों को बहुत सारे एडिक्शंस थे, चाय के, फूड के, स्क्रॉलिंग के, एटसेट्रा। तो अब टिप भी तो बनती है, ठीक है? टिप क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे कि इस जर्नी में आपको डीएम पर कोडिपेंडेंट नहीं होना है, तो आपको ये समझना है कि आपको किसी भी चीज़ पर कोडिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है? मतलब अगर आप टी हॉलिक हो तो टी पे कोडिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि आप डीएम से अपना वो जो आपका फोकस शिफ्ट करके आपने टी पे लगा दिया, डीएम से फोकस शिफ्ट करके आपने फूड पे लगा दिया, स्क्रॉलिंग पे लगा दिया, सोशल मीडिया पे लगा दिया, तो अल्टीमेटली आपने कुछ भी हील नहीं किया, राइट? तो फिर कोडिपेंडेंट किस पे होना है? परमात्मा पे। एक ही चीज़ पे हो सकते हो, परमात्मा पे। तो इसी नाम पे, इसी शब्दों पे आज विजयादशमी की आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। ठीक है, आप जिस भी रिलीजन से हैं उस रिलीजन पे जो भी आपकी मान्यता है, गुरु, ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स, आप बस उन पे कोडिपेंडेंट हुई, उनसे ही एनर्जी लीजिए, दैट्स इट। और सच कहूँ तो एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको। अगर अब ये पोस्ट आपकी 1010 पोर्टल की चैनलिंग है मेरी, कि अब आपकी जर्नी कहाँ जा रही है, ये जो ट्रेन है ना, जो पिछली वीडियो को जिसे ना देखा हो प्लीज़ देखिए, तभी आपको मेरी आज की बात समझ में आएगी कि जो ये ट्रेन यू टर्न, ये जो ट्रेन टर्न ले रही है ना, तो ये आपकी जर्नी कहाँ टर्न ले रही है, तो ये उसी की चैनलिंग है। तो अभी जैसे कि अगर आप आज ये बात फिर से रिवाइज करो अपने अंदर कि मैं एक सोल हूँ, ऑफकोर्स आप सोल हैं, यू आर सोल Experiencing the human body, okay? आप परमात्मा क्या है? सुप्रीम सोल है, जिसकी सोल, जिसका अंश आपके अंदर है, ठीक है? तो आप परमात्मा तो एक ही हो गए, आपका ट्विन फ्लेम भी आप ही की सोल है, वो भी यूनिवर्स है, वो भी डिवाइन है, तो आप तीनों एक हो गए, ठीक है? अब आप कहोगे कि मैम इसमें क्या नई बात है, यही तो याद नहीं रहता है। अगर आपको ये याद रहता होता तो आप 3D में अपने ट्विन फ्लेम को क्यों ढूंढ रहे होते? यू हैव नथिंग टू डू विद द 3D स्टफ, राइट? बट फिर भी हमको पता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा, मेरा ट्विन फ्लेम, हम तीनों एक हैं। शेयर्ड कम्युनिकेशन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज़ आप लोगों को, राइट? जिसने शेयर्ड कम्युनिकेशन लिया है उसे पता होगा। तो फिर भी हम 3D स्टफ पे फोकस होते हैं, कब हमारी बात होगी, कब हमारी शादी होगी, वहाँ से कोई भी हिंट नहीं मिल रहा। तो अभी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जहाँ आपका ट्विन सोल है ही नहीं, आप वहाँ देख रहे हो, वहाँ आप प्रोसेस कर रहे हो, और जहाँ वो है वहाँ आप प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो, मतलब एनर्जेटिक लेवल पे, ठीक है? तो अब कैसे प्रोसेस करना है दोस्तों? यही अब ये टाइम आ गया है, यही चैनलिंग है। आप ट्विन फ्लेम इस धरती पे इनकार्नेट हुए हो लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, जिससे जब आप यूनियन में आओगे तो आपकी जो मैसिव ऑफ जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी वो मदर अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, एंड दैट विल सपोर्ट इन द न्यू अर्थ, ठीक है? आपको शॉर्ट में समझिए, जैसे कि बुराई, कलयुग की अगर बुराई मदर अर्थ में एब्जॉर्ब होती है तो वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, मदर अर्थ चिल्लाती है, रोती है, तो आपके इस लव की फ्रिक्वेंसी को मदर अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, दैट क्रिएट्स द न्यू अर्थ। तो आप सोचिए, क्या आप इसमें भागीदार होने चाहते हैं? बिल्कुल, इससे बड़ा मकसद आपका ट्विन फ्लेम होने का है ही नहीं। तो पहले आपको समझना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं ट्विन फ्लेम क्यों बनाई गई हूँ, राइट? तो ये मुझे टर्न आ रहा है आपकी जर्नी में, जहाँ आपकी जर्नी की गाड़ी टर्न ले रही है, जहाँ पर यू हैव टू बी 1000% अलाइन
विद द गॉड। डीएम को अगर कुछ क्षण के लिए भूलना भी पड़ जाए तो भूल जाओ कि वो भी कुछ कुछ लाइक रहती है, मतलब वो भी कोई एनर्जी है, क्योंकि आप डिवाइन ही है इस वक्त पूरी तरीके से, क्योंकि डिवाइन आपके चुनचुन आप एक ही हो, तो आप वैसे भी भूल नहीं रहे हो, क्योंकि आप जब एक ही हो तो आप अगर भूल भी गए 3D स्टफ को, आपकी ट्विन फ्लेम को, तब भी आप एक ही हो, तो कुछ लॉस होने वाला नहीं है। बट जितना ज़्यादा आप डीपर जाओगे आप डिवाइन में, राइट, बिकॉज यू आर सोल एंड सुप्रीम सोल, तो आप सुप्रीम सोल एंड यू आर वन। जितना अब आप डीपर डिवाइन में जाओगे, अलाइंड होगे डिवाइन से, जितना ज़्यादा आप गहराई में डिवाइन में जाते जाओगे उतना ज़्यादा करीब आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आता जाएगा। एंड बहुत ऑनेस्ट इंटेंशन से, ये नहीं कि अभी आपने सुन लिया है तो अब हमको डिवाइन पे फोकस करना है, नो, क्योंकि डिवाइन आप तीनों एक हो, एक ही एनर्जी हो, तो जितना ज़्यादा आप डीपर अब डिवाइन में जाओगे उतना ज़्यादा आपकी सोल, मतलब आपकी ट्विन सोल आपकी तरफ खींचेंगे, क्रेव करेंगे, उनकी जो 3D स्टफ, जो उनकी 3D बॉडी है ना, वो भी आपकी तरफ खींचेगी। ठीक है, अभी तक जितना आपने अपने आप को मिसगाइड करना था, 3D पे फोकस करना था, कर लिया, पर अब ये जो टाइम है 10-10 के पोर्टल के बाद, ये गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, अब आपको सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि क्या सिम्टम्स है कि अब हमारा यूनियन होने वाला है। आपने बहुत सारे साइन कम्युनिटी में देखे होंगे, साइन यू आर योर यूनियन इज़ नियर। मैं ऑनेस्टली वो साइन बोल रही हूँ जो 1000% कन्फर्म है। जब आप अपनी जर्नी की उस स्टेज में आ जाओ, ठीक है, पॉइंट नंबर वन, आप जर्नी की उस स्टेज में आ जाओ जहाँ आपको डेंस एनर्जी की इवन टोन से भी आपको ऐसा लगे कि ये मुझे सूट नहीं कर रही है, आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल। किसी को आप सपोज वीडियो कॉलिंग पे आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, आपको हेडेक लगेगा, आप सोशल मीडिया में किसी को सुन रहे हो, आपको इतना अजीब सा लगेगा, ऐसे ही क्या बोल रहा है, इसको स्क्रॉल करो, या फिर आपके घर में सपोज आपके पेरेंट्स भी आप पे चिल्ला रहे हैं, या घर पे कोई आपसे तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है, या वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, बट बहुत ही उसकी एनर्जी में पीस नहीं है, वो एनर्जी आपको एलर्जिक लगेगी, एलर्जिक। नाउ यू आर वेरी सेंसिटिव, अब आप डेंस एनर्जीज, मतलब ऑल एनर्जी ऑफ पैनिक, एंगर, या आपसे कनेक्टेड नहीं है बट फिर भी वो आपको सूट ही नहीं करेगी। ठीक है, आपको हर डेंस एनर्जी से आप एलर्जिक हो जाओगे, आपको वो एनर्जी सूट ही नहीं करेगी। ये आपका फर्स्ट साइन है कि अब आपका डिवाइन से अलाइनमेंट हो गया है और आपका यूनियन होने वाला है। ठीक है, सेकेंड साइन, आपका यूनियन होने वाला होता है और सपोज कि आपकी आपको नहीं पता कि चुनफ्लेम आपको कब कॉल करने वाले हैं, या वो आपसे मिलना चाहते हैं, या वॉट एवर, बट जब भी आप अनकॉन्शियसली अपने लाइफ में फोकस होते हो, यू फील सॉर्ट ऑफ सेंसेशन इन योर हार्ट सेंटर, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम कम्फर्टेबल, आई एम फोकस इन माई लाइफ, मैं तो DM को मिस भी नहीं करी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो मुझे मिस कर रहा है, या सम सॉर्ट ऑफ सेंसेशन इन योर हार्ट सेंटर। और वो ही मोमेंट होता है जो अचानक आपका ट्विन फ्लेम आपको कॉन्टैक्ट करता है, तो यहाँ से आपकी यूनियन चालू होती है माई डियर, और ये पॉइंट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट कि आपका यूनियन कब होता है, जब आपके एनर्जी में कहीं भी टाइटनेस नहीं होती है, कहीं भी यू आपको अंदर हार्ट सेंटर में बिल्कुल हल्का लगता है, पीस, लव। और जिन लोगों ने शेयर्ड फील प्रैक्टिस कर लिया है, राइट, सिर्फ सुना नहीं है, प्रैक्टिस कर लिया है, मुझे 80% गारंटी है कि अब आप बिल्कुल इसी एनर्जी में आ गए होंगे, एंड दैट इज द रीजन यूनियन इज पॉसिबल। आपकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा हल्का, पीस, हैप्पीनेस, बिल्कुल न्यूट्रल,
कहीं कोई टाइटनेस नहीं है, कहीं कोई आप होल्ड नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ भी रिजिड नहीं है, कहीं कोई गुस्सा नहीं है, पैनिक नहीं है, डर नहीं है, फियर नहीं है, कुछ नहीं है, एनर्जी इज फ्लोइंग स्मूथली। आपका ये यूनियन का साइन है, ठीक है। फिर आप में से बहुत लोग ये कह भी सकते हो कि मैम हम तो ये फील कर रहे पर हमारा डीएम तो हमें अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा, वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा। अगर किसी आप में से किसी की ये शिकायत हो या आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा हो, तो देर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, एंड वो ये है कि जब आपके डीएम कंसिडर करते हैं मन में अपनी लाइफ में अंदर कि यार देर इज़ सम कनेक्शन, या अब वो आपके बगैर रह नहीं सकते, या यू आर सो इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ बट स्टिल दे आर साइलेंट या दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग, बिकॉज ये भी डिवाइनली गाइड होता है। डिवाइन उनको रोक के रखता है कि नहीं बोलना है अभी, क्योंकि डिवाइन को अभी ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। यू हैव डिवाइन वॉन्टेड यू टू बैलेंस दिस। आज आपके डीएम आपको एकदम से आ जाए आपके पास और आपसे कन्फेस कर दें कि यार समथिंग इज़ देयर, आप उसी मोमेंट सोल से माइंड में आ जाओगे, यू विल बी इम्बैलेंस्ड। और आप फिर या वो आपसे कहते हैं कि हाँ मैं तुमको चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा पर मैं चाहता हूँ, आप उसी पर डिसबैलेंस हो जाओगे, आप उस एनर्जी को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, फिर यूनियन कोलैप्स हो जाएगा। तो एक्चुअली इट्स अ डिवाइन प्रोटेक्शन, यू नो, कि अगर डीएम आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी डिवाइन का प्रोटेक्शन है कि अभी आप तैयार नहीं हुए हो उस पॉजिटिव एनर्जी को हैंडल करने के लिए, राइट। जिस दिन आप इतने बैलेंस्ड होगे कि आप उसको सुन के आप बैलेंस न्यूट्रलाइज एनर्जी में रहोगे, आप उस यूनियन को कोलैप्स नहीं करोगे, ठीक है, वो बैलेंस रहेगा, तो वो टाइम जब डीएम आपका हमेशा, इसलिए हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई यूनियन होना होता है, मिलना होता है, तो कोई ना कोई टेस्ट आपका आता ही है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग सर्कमस्टांसेस सिचुएशन, कि देखने के लिए कि आप ये यूनियन को हैंडल कर पाओगे कि नहीं, बिकॉज यू आर नॉट रिलेशनशिप, you are twin flame energies and it is difficult to handle each other's energy. So at last dosto union ka portal open ho chuka hai, 1000% union jo ki maine pichli channeling mein bhi kiya tha, but ab ye sab sign bhi hai aur in sab is video mein aapko practice bhi aapko karwai batayi hai ki kya aap practice karoge ki aapki unions collapse nahi hogi, and that is the reason maine PME बनाया है कि जब आके ट्विन फ्लेम आए तो आप उस एक्सप्रेशन को बैलेंस कर सको। आपकी यूनियन इतनी हार्डवर्क करने के बाद, इतने सालों के बाद, इतने मंथ्स के बाद, काफ़ी सारे हार्डवर्क पेन एंड सफरिंग के बाद जब यूनियन हो रही है, तो वो यूनियन वेस्ट ना हो बिकॉज ऑफ योर लॉजिकल माइंड, बिकॉज ऑफ योर डिसबैलेंस ऑफ योर माइंड, आप इम्बैलेंस हो जाओ और आपका यूनियन कोलैप्स हो जाए और फिर यू हैव टू वेट। सो ठीक है, तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग इज द की, कि आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपकी लाइफ में, जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, जब डिवाइन को लगेगा कि यस नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू यूनाइट, आपको मिलना है, वो उनसे डिवाइन एक्सप्रेस करवाएंगे, और जब डिवाइन एक्सप्रेस कराएंगे तो उस एनर्जी को आपको हैंडल करना आना चाहिए, एंड दैट इज़ माई पीएमई सेशन, ठीक है। सो इट्स अ हाई टाइम, बहुत सारे यूनियन चैनल पे ऑलरेडी मैंने कमेटी में पोस्ट किए हैं, चालू हो चुके हैं, हो रहे हैं, राइट। आज ही कमेटी में एक डीएफ ने बताया कि उनके डीएम उनसे शादी भी करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ मैरिज आल्सो इम्पॉसिबल इन दिस सिनेरियो, बट आपको किसी भी इस एक्सपेक्टेशंस में नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने कर्म करना है, आउटकम को डिवाइन पे सरेंडर करना है, जो ऊपर पॉइंट्स बताए हैं उन पे फोकस करना है, दैट आई एम डिपेंडेंट ओनली ऑन गॉड, आई एम गोइंग डीपर एंड डीपर इन डिवाइन, आई एम इन बैलेंस्ड एनर्जी, आई कैन हैंडल माय डीएम्स एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।